नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। एक बार फिर से आ चुकी है एक नई अपडेट सामने, किसी और को लेकर नहीं बल्कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर। जी हां, सनी देओल की फिल्म जो गदर का पहला सीजन थी वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब इसका जो सेकंड सीक्वल है वो बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही सनी देओल की ये जो फिल्म है गदर 2, ये चर्चा का विषय बन चुकी है। किस वजह से, तो बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर गदर 2 में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में दोबारा उनके साथ एक्ट्रेस समीक्षा पटेल नजर आएगी। दोनों की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी साल 11 अगस्त 2023 को थिएटर में दस्तक देगी। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बाद फैंस को सबसे ज्यादा गदर 2 का इंतजार है। ऐसे में फिल्म से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म को जबरदस्त हिट करवाने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्लान बनाया है और इस प्लानिंग में उन्होंने फैसला लिया है कि सबसे पहले तो वो इस फिल्म का टीजर आउट करेंगे, फिर धीरे धीरे इस फिल्म के बीच बीच में से छोटी छोटी क्लिप्स को आउट करेंगे, रिलीज करेंगे और उसके बाद इस फिल्म को थिएटर पर लाया जाएगा ताकि लोगों में और भी ज़्यादा क्रेज दिखे इस फिल्म को देखने का और एक्साइटेड हो जाए इस फिल्म को देखने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में अमीषा पटेल पहुंची थी गदर 2 के प्रमोशन इवेंट पर और ऐसे में इस दौरान यहां पर जब सवाल पूछा गया अमीषा पटेल से कि आखिर गदर 2 की कहानी कैसी है और गदर 1 की कहानी में जो हुआ था उसके बाद गदर 2 में ऐसा क्या खास होने वाला है, तो अमीषा पटेल ने जवाब में कहा था कि गदर 1 में जो हमने फिल्म देखी थी जिसमें किस तरह से एक पंजाबी हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है, उसे बचाने के लिए वो उससे शादी कर लेता है और इसी के साथ वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान तक जाता है जहाँ पर वो उसके धर्म की रिस्पेक्ट करता है, उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और साथ ही उसके रिलीजन को फॉलो भी करता है और यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आता है इंडिया। ऐसे में जब ये सवाल का जवाब देती नजर आई कोई और नहीं बल्कि एक्टर समीक्षा पटेल, तो यहाँ पर उन्हें फिर से ट्रॉल किया गया। दरअसल गदर फिल्म का जो वंस फर्स्ट सीक्वल था उसमें हमने देखा था कि सनी देओल ने यहाँ पर अमीषा पटेल के रिलीजन की रिस्पेक्ट तो की थी लेकिन उन्होंने उनके उस रिलीजन को फॉलो नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर उन्होंने उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के साथ यहाँ पर अपने ही रिलीजन को फॉलो किया था। यहाँ पर इस तरह की गलत स्टोरी बताने के बाद अमीषा पटेल को लगातार सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ट्रॉल कर रहे हैं और उनकी कहानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म की कहानी ही नहीं पता वो आखिर गदर 2 में क्या करेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।